अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो आज मैं जा रही थी मॉल और बाहर थोड़ी बहुत आउटिंग करने के लिए, तो हम नीचे गाड़ी में आकर बैठ गए थे और अपनी अम्मी का वेट कर रहे थे। वो जैसे ही आई तो भाई ने गाड़ी स्टार्ट कर दी, तो लेट्स गो। पहुँच गए एट्रियम मॉल। तो अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ जल्दी से जाके चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो हम चेक करने लगे कि कौन से शॉप पर ऑफ है ताकि हम उस शॉप में जाएं। तो सबसे पहले मैंने अम्मी को कहा लेट्स गो टू डॉलर शॉप, क्योंकि हम देखना चाह रहे थे डॉलर में कुछ अच्छी कोई न्यू वैरायटी आई है भी या नहीं। क्रॉकरी देखनी थी मुझे, क्रॉकरी देखने में बहुत ही मज़ा आता है। तो उसके बाद हम लोग चले गए दूसरी शॉप पर और यहाँ पर हम आ गए जे डॉट की शॉप पर और मैं यहाँ पर कपड़े चेक करने लगी। और मैं शॉपिंग करके थक गई, तो मैं आकर साया की शॉप के बाहर खड़ी हो गई। बट यहाँ पर अम्मी ने देखा 50% ऑफ, तो अम्मी चली गई अंदर शॉप के अंदर और मैं बाहर खड़ी हो गई। और वहाँ पर मुझे मिल गई मेरी कज़न, जो कि आई हुई थी अपने लिए शॉपिंग करने और रैंडमली मुझे मिल गई। तो उसने अपना बेबी मुझे पकड़ाया और वो गई शॉपिंग करने। और जब तक वो शॉपिंग कर रही थी तब तक मैं इसके साथ प्ले कर रही थी ताकि इसको अपनी अम्मी की याद ना आए। और फिर उसके बाद मैं जेडॉट की शॉप पर गई, वहाँ पर अम्मी को एक ड्रेस पसंद आया, उन्होंने मुझे दिखाया, मैंने भी ओके किया, तो हमने ले लिया। और उसके बाद यहाँ पर इतना लेट हो गया था कि शॉप्स बंद होने का टाइम हो रहा था, बट अम्मी का दिल नहीं भर रहा था। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपनी कज़न को राइड एंजॉय करवाई। मैंने उसको बोला बताओ कौन से वाले पे बैठना है, पहले वो दूसरे पे बैठी, फिर उसके बाद उसने कहा नहीं मुझे दूसरे वाले हॉर्स पे बैठना है। तो मैं यहाँ पर ये इंजॉय कर रही थी और मैं इसके पीछे 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 जा रही थी खाला की ड्यूटी निभाते हुए। फिर यहाँ पर मैं दूसरी शॉप पर गई, वहाँ मुझे ड्रेस पसंद आया पर मेरा साइज़ नहीं था तो मैंने छोड़ दिया। और यहाँ पर हाफ शॉप्स बंद होने लगी थी, गार्ड्स आ गए थे कि भाई बस कर दो जाओ, हमें मॉल बंद करना है। और उसके बाद यहाँ पर मेरी कज़न की मस्तियाँ रुक नहीं रही थी, उसने कहा आप यहाँ खड़ी हो मैं आपके पास बात करने आऊँगी। तो फिर उसके बाद मैंने उसके साथ प्ले किया और हमने कहा अब बस मॉल्स बंद हो रही हैं, अब निकलने की करते हैं। और हमें जाना था डिनर के लिए, तो पहले हम सोच रहे थे कि ऊपर फूड कोर्ट में कुछ खा लेते हैं, बट हमें फ़ूड कोर्ट में कुछ अच्छा समझ नहीं आ रहा था। तो हमने डिसाइड किया कि हम बाहर जहीं जाते हैं और वहाँ पे हम लोग कुछ डिनर खाएंगे। तो हम पहुँच गए A1 स्नैक्स पे और हमने वहाँ पर खाना ऑर्डर किया। हमने ऑर्डर की चिकन चाउमिन और चिकन रोस्ट, मसाला रोस्ट, और फिर हमने अपना खाना इंजॉय किया। उसके बाद मेरा दिल चाह रहा था कुछ ठंडा ड्रिंक पीने का, तो हम पहुँच गए सोडा स्टॉप पर और हमने सोडा स्टॉप पर अपना सोडा ऑर्डर किया। उसके बाद मेरा ऑर्डर आ गया, फिर हम जाने लगे अपने घर पे। और उसके बाद यहाँ पर भाई मेरा गाड़ी पार्क कर रहा था, तो हम लोग उसको छोड़ के जा रहे थे ऊपर। और मैं जैसे ही घर पहुँची मेरी ड्यूटी लग गई कि दूध बॉयल करो और चाय बनाओ। तो साथ साथ मैंने दूध बॉयल किया और साथ अपने लिए और अम्मी के लिए बनाई चाय। और चाय पीने के बाद हमारी रात एंड हो चुकी थी क्योंकि रात के 2 बज गए थे। फिर उसके बाद जब मैं सोकर सुबह उठी तो मुझे याद आया कि मैं व्लॉग बना रही थी, तो मैंने यहीं से कंटिन्यू किया। तो उसके बाद यहाँ पर मेरी दोस्त का प्रोग्राम बन गया कि चलो बाहर चलते हैं CST। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम चलते हैं ऑटो में, तो हमने एंड्राइव ऑटो करवाई और हम पहुँच गए CST। यहाँ पर मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड ने ऑर्डर किया सबसे पहले शेक, क्योंकि बहुत गर्मी थी भाई साहब। और उसके बाद हम लोग डिनर के लिए पहुँच गए KB's। और यहाँ का एम्बियंस मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ की सर्विस भी 10/10 थी। और उसके बाद यहाँ पर हमारा डिनर लग गया था, हमने ऑर्डर किए थे चिकन अल्फ्रेडो पास्ता विद चिकन चाउमिन और खोला नेक्स, प्रमोटिंग पाकिस्तानी ब्रांड्स। और यहाँ पर हमारा दिन ख़त्म होता है। मैंने अपनी दोस्त के साथ बहुत इन्जॉय किया, आप लोग अपनी दोस्तों के साथ कैसे इन्जॉय करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर हमारा व्लॉग एंड होता है। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।